नमस्कार, दिल्ली तक देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वैशाली। दिल्ली पुलिस ने यूट्यूबर और बॉडी बिल्डर बॉबी कटारिया उर्फ बलवंत कटारिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। उसके खिलाफ ये एफआईआर 7 महीने पहले उसके द्वारा एक स्पाइस जेट विमान के अंदर सिगरेट जलाते हुए वीडियो बनाने को लेकर की गई है। कटारिया के इस वीडियो को पिछले हफ्ते कई लोगों ने सोशल मीडिया पर शेयर किया था, जिसके बाद सिविल एविएशन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मामले की जाँच आदेश दिए थे। जानकारी के मुताबिक 13 अगस्त को स्पाइस जेट की ओर से जसबीर सिंह ने आईजीआई एयरपोर्ट के पुलिस स्टेशन में बॉबी कटारिया के खिलाफ शिकायत दर्ज की थी। इसके साथ ही सुरक्षा और सुरक्षा उपायों के उल्लंघन के लिए बलवंत कटारिया उर्फ बॉबी कटारिया के खिलाफ कार्रवाई का आदेश किया गया था। आपको बता दें कि स्पाइस जेट की ओर से शिकायत में कहा गया था कि बॉबी कटारिया ने 21 जनवरी को स्पाइस जेट की फ्लाइट SG706 में यात्रा की थी। इसमें उन्होंने स्मोकिंग करने के बाद वीडियो और फोटो सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी थी। इसमें वे लाइटर जलाकर सिगरेट पीते हुए दिखाई दिए थे। आपको बता दें, बॉबी कटारिया के इंस्टाग्राम पर 6.3 लाख फॉलोअर्स हैं और इस पूरे मामले को लेकर कटारिया ने पिछले हफ्ते मीडिया से बातचीत में कहा था कि उसने ये वीडियो फरवरी 2019 या 2020 में शूट किया था। वे एक नकली प्लेन में थे जो कि शूटिंग का हिस्सा था। उसने कहा कि ये वीडियो दुबई में शूट किया गया था और जो लोग इस डमी प्लेन में बैठे हैं वे भी शूट का हिस्सा थे। कटारिया ने आगे कहा कि उसकी बायोपिक की शूटिंग 2019 में शुरू हुई थी, जिसके 2024 में पूरे होने की संभावना है। मुझे नहीं लगता कि मुझे इसमें कोई भी सफाई देने की जरूरत है। कटारिया ने यह भी कहा कि मैं सब लोगों को बताना चाहता हूं कि जिस शख्स ने यह वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड किया वो सिर्फ और सिर्फ टीआरपी के लिए शेयर किया गया है। मैं पूछना चाहता हूं कि एक लाइटर को हवाई जहाज में कैसे लेकर जाया जा सकता है। मुझे नहीं लगता कि मुझे इसमें कोई सफाई देने की जरूरत है। कटारिया ने यह भी कहा कि मैं सब लोगों को बताना चाहता हूं कि जिस शख्स ने ये वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड किया वो सिर्फ और सिर्फ टीआरपी के लिए शेयर किया गया था। और बॉबी कटारिया ने लोगों से ये भी पूछा कि मैं सबसे पूछना चाहता हूं कि एक लाइटर को हवाई जहाज में कैसे ले जाया जा सकता है, स्कैनर में इसका पता लग जाता है। कटारिया ने कहा कि सिगरेट को प्लेन में ले जाया जा सकता है लेकिन एक लाइटर को नहीं। इसी के साथ बॉबी कटारिया उत्तराखंड की एक व्यस्त सड़क पर खुलेआम शराब पीने की वीडियो बनाने को लेकर भी सुर्खियों में रहे थे और उनपे उसको लेकर भी उन्हें केस का सामना कर रहे हैं, जिसमें अब देहरादून की पुलिस भी बॉबी कटारिया पर कार्रवाई कर सकती है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही, लेकिन दिल्ली NCR से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहें दिल्ली तक।